हरे कृष्ण, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ वरभद्र सुभद्रा महारानी श्रीनिवास गोविंदा गौर नेताय श्रील प्रभुपाद गुरुदेव और समस्त आचार्य वैष्णव के चरण से आज के साप्ताहिक का कालेवाड़ी सत्संग साप्ताहिक का कार्यक्रम के तो हम सभी को भगवान से कृपा की भिक्षा करते हुए और आप जो भी इसको आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी जूम के माध्यम से जो भी दर्शनार्थी है तो आप सभी के भी कृपा के व्याख्या करते हुए हम लोग की आज पवित्र एकादशी तिथि कामी का एकादशी तिथि श्लोक है। हम श्रीमद् भागवतम से दशम स्कंध से कुछ कृष्ण लीला के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मेरा शुद्धिकरण के लिए और भगवान कृष्ण और आचार्य गुरुवर के प्रसन्नता हेतु। हरे कृष्णा, तो हम उत्तम तर्पण को धन्यवाद देना चाहेंगे और जिनके माध्यम से हमको ये सुयोग मिल रहा है। हरे कृष्णा, और बाकी जो भी भक्त उनके साथ जुड़े हुए ये श्रील प्रभुपाद जी के प्रचार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के हरिनाम के प्रचार हेतु जो भी जैसे भी उनको मदद कर रहे हैं तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद तो प्रभु जी। सुन सी आवाज आ रहे है बराबर? आ रहे बहुत अच्छा आ रहे। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम लॉकडाउन के वजह से करीब 3-4 महीना से हम लोग मंदिर के अंदर ही है ना? तो आप लोग भी अपने अपने घर में होंगे और लेकिन प्रभुपा जी की असीम कृपा है। प्रभुपा जी ने हमको बहुत सुंदर ये संधि दिए, हरि नाम दिए, भक्त दिए और प्रभुपा जी के सुंदर ग्रंथ दिए है, विग्रह दिए। हाँ, अगर प्रभुपाद ना होते, अगर आप वैष्णव आचार्य भजन में गाते, अगर प्रभुपाद यदि गौर ना होते तवे की राधा, तो इसी प्रकार अगर प्रभुपाद नहीं होते हैंगे तो हम अभी देखते हैं कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति ये पिछले 4 महीना में घर के अंदर तो अपने समय को कैसे बिताएगा, है ना? वो कुछ वीडियो गेम, कुछ टीवी, है ना, इसके माध्यम से कितना बात करेगा, कितना देखेगा, पागल हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको ये सुंदर जो माध्यम दिए है ना, तो हम तो वही प्रार्थना करते हैं भगवान को कि ये हमेशा के लिए ऐसे लॉकडाउन रहे। एक्चुअली जब क्योंकि ये शुद्ध भक्त भक्त का प्रचार कार्य है तो कि प्रभुपाद जी को लगा कि मैंने इतने अथक प्रयास करके मैंने ये ग्रंथ दिया, भगवान का नाम दिए, लेकिन मेरे भक्त लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि महाप्रभु के जो शिक्षा है, भारत तो भूमिले होले मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करे पर उपकार। तो हम कभी कभी इतने व्यस्त रहते हैं और ये केवल गृहस्थ नहीं, मैं ब्रह्मचारी जीवन के भी बोल रहा हूँ, है ना। हम लोग प्रचार कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं तो हमको प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना सुंदर जो, क्योंकि एक घास का तिनका भी भगवान के इच्छा बिना हिलता नहीं है, तो जो भी हो रहा है ये भगवान के कृपा से ही हो रहा है, इसको कृपा समझना चाहिए। और हम इससे कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं,
ये दशम स्कंद का 23वां अध्याय, हमने दशम स्कंदे प्रभु भगवान के जो सुंदर सुंदर लीला के बारे में है ना, तो कई बार हम सुनते आ रहे हैं भगवान कैसे कि अलग अलग असुरों को वध किए, क्योंकि भगवान का कार्य क्या होता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम जो मे सत्वाध्याय पुनर्जन्म नैति महाबुद्धि सु अर्जुन। भगवान का कार्यक्रम दिव्य होता है, इसलिए भगवान किसी के को हत्या भी करते हैं तो भगवान अपने धाम में इसको भेजते हैं। हाँ, तो कई सारे असुर को तो भगवान ने ऐसे अलग अलग, क्यों जो कंस था, कंस मामा, तो उन्होंने भांजा को मारने के लिए कई सारे प्रकार के खिलौना भेजता था, अलग अलग किस्म का खिलौना, अलग अलग रंग का, अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग मॉडल का। लेकिन भांजा ने क्या करता था कि जितने भी खिलौना कंस मामा भेजता था, सारे खिलौना को उसने तोड़ के मरोड़ के फेंक देता था। तो इसलिए कंस भी इतना भयभीत था कि क्या करूं एक्चुअली, कि ये दोनों को कैसे मैं मरवाऊं, है ना। तो एक सुंदर लीला है जिसमें दशम स्कंद का 23वां अध्याय, उसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि यदि जो पत्नी, जो मथुरा में कई सारे बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण के पत्नियों को भगवान कृष्ण ने उनको किसी प्रकार कृपा दिए, है ना। और इससे पहले जो अध्याय है 22वां अध्याय, तो इसमें भगवान का रास लीला का वर्णन आता है, भगवान गोपियों का, सॉरी भगवान ने कैसे, क्योंकि गोपी वस्त्र हारी, भगवान जो भी कार्य करते हैं उनका कार्य दिव्य माना जाता है, लेकिन हम अगर भगवान के कार्यों को नकल करना चाहेंगे तो हमको कड़ी दंड मिलेगा। तो इसलिए भगवान का कार्य को हमको अनुकरण नहीं करना चाहिए, भगवान का कार्य, जो भगवान का जो आदेश है इनको पालन करना चाहिए, इसलिए अनुसरण और अनुकरण। तो भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, भगवान का कार्यकलाप को अनुकरण करना चाहते हैं, वो भगवान बनना चाहते हैं, है ना। तो 22वां जो अध्याय है उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको प्रभुपाद जी बार बार अपने प्रवचन में उसको कोट करते थे, एतावन् जन्म साफल्यम देहि नाम य देहिषु प्राणे अर्थहृदय वाचा श्रेय आचरणम सदा। ना, जिस किसको भी ये जन्म जन्म मिला, इस जन्म को सार्थक करना है, एतावन् जन्म साफल्यम, हम बोलते हैं ना कि मैंने मनुष्य जीवन को मैं सफल करना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, उद्योगपति बनना चाहता हूँ, क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, बॉलीवुड स्टार बनना चाहता हूँ, है ना। लोगों को लगता है कि यही सफलता है, कुछ धन कमाऊंगा, कुछ ऐश आराम करूंगा, है ना। लेकिन देही नाम यह देहिषु, हाँ ये देह है, हमको जो दिखता है ये क्या है, देह है, अलग अलग प्रकार का, 84 लाख प्रकार का अलग अलग देह भगवान ने बनाया, तो ये देह बनाया लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो देही है ना, भगवान का अंश है। सो देही नाम यह देहिषु, तो जिसने ये देह दिया हमको, हम जिसका अंश है, तो उसका ही सेवा करके है हम एक्चुअली अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए प्राण अर्थ दिया बाचा, तो इसलिए गोपियां इस श्लोक को उच्चारण करते हैं और बताते हैं कि प्राण सबसे प्रिय क्या है, अपना प्राण, जो तो सबसे उच्च कोटि की व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, अपने प्राण को न्यौछावर कर सकता है भगवान का सेवा करने के लिए, प्राण। हाँ, अगर कोई प्राण नहीं दे सकता है तो अर्थ दे सकता है, इसलिए प्राण अर्थ है। लेकिन आजकल अर्थ देना भी, क्योंकि प्रहलाद महाराज भी बताते हैं कि मनी स्वीटर दान हनी ब्राइटर दान सनशाइन, तो इसलिए भक्त बता रहे थे, लोग जो अपने
यहाँ पे कमीज कुर्ता पहनते हैं, तो यहाँ पे पैकेट क्यों बनाते हैं, छाती के ऊपर पैकेट क्यों बनाते हैं छाती पे? क्योंकि धन जो है वो सबसे प्रिय है, अपने सीना पे लगा के रखना चाहता है, यहाँ पैकेट बनाता है। तो प्राण अर्थ है, तो अर्थ देना भी बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन तो जो भगवान के सेवा में अर्थ देते हैं, तो कितने महत्वपूर्ण सेवा करते हैं भगवान के लिए। प्राण अर्थ है, और दिया, दिया मतलब बुद्धि। अगर कोई प्राण दे नहीं सकता है, अर्थ नहीं दे सकता है, लेकिन दिया बुद्धि तो दे सकता है। भगवान ने बुद्धि दी है। भगवान ने भगवत गीता में 15वां अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं, है ना, बताते हैं कि मत्तर बुद्धि। हाँ, क्योंकि मेरे से बुद्धि आता है, मेरे से भूलना आता है, मेरे से भी याद आता है। प्राण अर्थ दिया वो, है ना, है कि नहीं? दिया मतलब बुद्धि भी दे सकता है। अगर कोई बुद्धि भी नहीं दे सकता है, कम से कम अपना वाणी दे सकता है, वाचा। हाँ, और कलयुग में तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतने सरल कर दिए कि भगवान को देने के लिए अपने वाणी, कैसे, अथ श्री कृष्ण नावादि न भवेत ग्राह इंद्रिय सेवा मुखे ही जिह्वा दो। हाँ, वाणी मतलब जिह्वा, जिस जिह्वा के द्वारा हम भगवान के नाम उच्चारण कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राण अर्थ दिया वाचा, वो तो आसान है, उसके लिए तो कोई पैसा नहीं मांगता है। और जीवा के सार मत्स्य स्मृति ज्ञान अपहनम जो 15वां अध्याय, वाचा। और इस जीवा के माध्यम से भगवान के प्रसाद खा सकते, प्रसाद तो सारे तो खाना, प्रसाद खाने के लिए तो कोई मना नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहे कि मैंने ये संस्था शुरू किया कि कम से कम लोग अगर प्रसाद सेवन करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रसाद के द्वारा उनका मन का परिवर्तन हो गया, हृदय का परिवर्तन होगा, वो भगवान का नाम उच्चारण करेंगे और मेरे पास आ सकेंगे। तो बहुत ही आसान उपाय और तरीका भगवान ने बताया, है ना। और ठीक उसके जो 22 नंबर श्लोक, 22 नंबर ये अध्याय है, ये लीला का वर्णन आता है कि कैसे भगवान ने गोपियों का वस्त्र हरण किए थे, है ना। और इसी अध्याय का अंतिम में, है ना, वो चीर घाट है, अगर वृंदावन जाएंगे तो आपको चीर घाट का दर्शन जरूर कर सकते हैं, है कि नहीं। और इस अध्याय का अंतिम में ये वर्णन आता है कि एक बार भगवान ने क्या किया, जल्द से जल्द क्या किया, अपने घर से निकले। और भगवान सुबह सुबह तो निकलते थे अपने ग्वाल बाल साथियों को लेके गाय चराने के लिए, कहीं दूर दूर जंगल में उनको जाना पड़ता था, दिन भर रहना पड़ता था, इसलिए ग्वाल बाल, ग्वाल सखा और भगवान के भाई बलराम जी, दाऊ जी और यशोदा माई क्या करती थी, उनको अच्छे से बढ़िया से श्रृंगार करते थे, करते थी, और साथ में टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स देते थे। हम जाते हैं ना कंपनी में, स्कूल में डब्बा लेके जाते हैं ना, तो वो लेके जाती थी। लेकिन उस दिन भगवान कृष्ण ने इतने जल्दी किए, बोले कि नहीं नहीं माँ, मेरे को देर हो रहा है, ये पूरी योजना बनाए थे उस दिन भगवान ने अपने ग्वाल वाल सखा को, कि क्योंकि भगवान मैया यशोदा मई जब भगवान कृष्ण को श्रृंगार करते थे, और उसी समय भगवान कृष्ण क्या करते थे, बार बार आके बाहर देखते थे एक्चुअली, क्योंकि ग्वाल सखा तो तैयार नहीं करती थी, और मैया को अंत ये तक वो कभी पूरा श्रृंगार करने के लिए नहीं देती थी। हाँ, तो भगवान को श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, भगवान तो ऐसे सुंदर है। हाँ, लेकिन जो जो वस्तु भगवान के सेवा में लगता है, वो वस्तु क्या होते हैं, सुंदर बन जाते हैं। हम संसार में देखते हैं कि अपने सुंदर को बढ़ाने के लिए हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अच्छे पुस्तक पहनते हैं, पाउडर लगाते हैं, कॉस्मेटिक करते हैं, आजकल तो है ना, कि पहले तो स्त्रियों के लिए
मेकअप ब्यूटी पार्लर होता था, आजकल पुरुषों के लिए भी शुरू हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या बनना चाहते हैं, सुंदर बनना चाहते हैं, इसलिए अपने शिक्षा में। तो जिस प्रकार हम कोई अगर अपने आप को श्रृंगार करता है, सजाता है और आईना के सामने, शीशा के सामने खड़ा होता है, तो उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है ना। लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति अरे अगर, हरे कृष्णा, कोई अगर मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा कि वो शीशा को अगर सजाएगा तो सुंदर नहीं बन सकता वो। तो इसी प्रकार मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा। तो हम भगवान का अंश है, इसलिए अगर हम भगवान को श्रृंगार करेंगे, भगवान को माला पहनाएंगे, भगवान को अलग अलग भोग चढ़ाएंगे, तो हम सुंदर बन सकते हैं, नहीं तो हम कभी भी नहीं सुंदर बन सकते। प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में सुबह सुबह प्रभुपाद जी जाते थे प्रातः भ्रमण में, मॉर्निंग वॉक, अपने जप माला लेके, और साथ में कई सारे भक्त जाते थे, प्रश्नोत्तर होता था, और सुंदर सुंदर प्रभुपाद जी शिक्षा देते थे प्रकृति से, नेचर से। तो प्रभुपाद जी जा रहे थे सुबह 7:30-8 बजे, सुबह का हम देखते ना, हम भी जाते हैं, मंग लोग जाते हैं जॉगिंग करने के लिए, सूरज का जो सुंदर सा रश्मि है उसको ग्रहण करने के लिए, जिसमें विटामिन डी मिलता है। तो उस समय एक जो पुलिसमैन था, वो भी बुलेट में क्या करता था कि वो जा रहा था साइड में, और बार बार देखता रहा था कि प्रभुपाद जी को। और एक तो प्रभुपाद जी तो बूढ़े है, और लेकिन सुबह का जो सूरज निकलता है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कोमल है, बहुत मुलायम है ना सूर्य का किरण। और प्रभुपाद जी के ऊपर डायरेक्ट सूर्य का किरण पड़ता था, प्रभुपाद जी का शरीर बिल्कुल सुवर्ण हो गया था, येलो, तब तक कामचनक ना। तो पुलिसमैन जो था वो अपने आप को रोक नहीं पाया, थोड़ी देर के आगे गया, अपनी गाड़ी को पार्किंग किया, उतरा गाड़ी से और प्रभुपाद जी के पास आया, बोला स्वामी जी यू आर ग्लोइंग, स्वामी जी यू आर ग्लोइंग, स्वामी जी आप बहुत ज्योज्वल्यमान है, आप बहुत ज्योज्वल्यमान है। आप प्रभुपाद हंसने लगे, कोई 70 साल का, आप सभी तो प्रभुपाद को 75 साल हो गया था, कोई 75 साल बूढ़ा व्यक्ति कोई सुंदर दिखेगा बताइए? लेकिन प्रभुपाद जी इतना सुंदर थे, क्यों? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण के चिंतन में थे, हमेशा कृष्ण का नाम का प्रचार करते थे, है ना। तो इसलिए जिनके हृदय में जो कृष्ण का नाम लेते हैं, हम भी सुंदर बन सकते हैं। कैसे? अगर हम निरंतर भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो उसी दिन भगवान ने क्या किया, यशोदा मैया को बोले कि नहीं, मुझे आज जल्दी जाना है, मेरे को बहुत दूर जाना है जंगल में, मेरे साथ एक सारे ग्वाल वाल निकल गए। तो समय तो अभी ब्रेकफास्ट जो है, नाश्ता और जो लंच है, दोपहर का जो भोजन है वो तो तैयार नहीं हुआ। भगवान कृष्ण बोले कि मैया मैं जा रहा हूँ, आपने आप बात तो भेज दो, बम्बई शहर में जाएंगे देखेंगे। मैं जब गया बम्बई शहर में 20 साल पहले, तो देखा कि लोकल ट्रेन में दोपहर को कुछ सारे बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, डब्बा लेके आते हैं अपने सिर पे, 20-30 डब्बा रहता है इतना बड़ा बड़ा, तो मेरे को आश्चर्य लगा के। तो मैंने पूछताछ किया तो बोले हाँ, लोग सुबह सुबह काम के लिए निकल जाता है, इसलिए दोपहर के समय अपने घर से वो टिफिन लेके एक ग्रुप है वो जाके पहुंचाते हैं बराबर ना, और दूसरे दिन फिर से वो कलेक्ट करके लेके जाते हैं, बहुत ही बढ़िया इंतजाम है। तो यशोदा मैं बोले कि ठीक है भैया, क्या ना मैं भेज देता हूँ जाओ। तो भगवान कृष्ण क्या किया, निकल गए उस दिन अपने ग्वाल वाल को श्रद्धा लेके, जंगल में जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, बड़ा आनंद करते थे। आजकल कहाँ देखने को भी नहीं मिलता, ना जंगल देखने को मिलता है, ना नदियां, अपना पानी झरने सब सूख गए सब, क्योंकि जो हमने बहुत ही प्रगति कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, है ना, तरह तरह के रास्ता बना के, जंगल साफ करके, तो इसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ता है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ खेलवाड़ कर रहे हैं, है ना। तो उसका कारण हमको ये करुणा भोगना पड़ता है, तो उसका उत्तरदायी हम खुद है, हम भगवान को उत्तरदायी नहीं समझते। भगवान ने इतना सुंदर बनाया,
संसार को बहुत सुंदर बनाया और सबके लिए भगवान, इसलिए सब इस सब सुनते बोलते ईशावास्य, जिसके जितना जरूरत है, जो कोटा है उतना ही उसको लेना चाहिए। हम आपने कोटा से जरूरत से अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब दूसरे लोग का कोटा को हम हस्तक्षेप करते हैं। इसके द्वारा पूरे संसार में क्या होता है, कुछ लोग भूखे हैं, कुछ लोग को काम धंधा नहीं मिलता है ना, क्योंकि हम दूसरे का संपत्ति को हड़प करना चाहते हैं, दूसरे का भोजन को हड़प करना चाहते हैं, है यही तो चलता है संसार में। माइट इज राइट, है ना। तो भगवान का उस दिन यही योजना था कि मुझे आज भोजन नहीं लेना है। वो चले गए, लेकिन दोपहर का समय हो गया, खेल रहे कूद रहे, या चलिए सुबह से कुछ भोजन नहीं है तो भूख लगेगा ही, है कि लगेगा, लगेगा। और लेकिन वो खेल कूद में इतने मस्त थे, क्योंकि भुक्ता राम जगत तपसम सर्वलोको महेश्वर श्रुतम सर्वभूतानां ज्ञानतो शांति मृच्छति। ये असली शांति का प्रस्ताव है भगवान भगवत गीता में 5वां अध्याय में 29 नंबर श्लोक में बताते हैं। हम सर्वस्य प्रभु मत्र सर्वभूतेषु, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, भगवान भुक्ता है, मैं भुक्ता नहीं हूँ, है ना, भोग्य हूँ, भगवान भुक्ता है, इसलिए भगवान को सब कुछ अर्पण करना चाहिए। और सर्वलोक महेश्वर, सारे संसार का सारे ब्रह्मांड को मालिक है, सर्वलोक महेश्वर। और सुहृदम सर्वभूतानाम, वो सुहृद है। हाँ, हम संसार में देखते हैं कोई, कुछ लोग हमारा मित्र हो सकते हैं, कुछ लोग हमारा बंधु हो सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि मैं आपका सुहृद हूँ। सुहृद मतलब हमेशा वो उस व्यक्ति के पास रहता है, कोई भी जीवन में जाए, कोई भी जीवनी में जाए, है ना, जीवात्मा भगवान परमात्मा अगर उसमें उसके पास हमेशा रहते हैं, 24 घंटा 24 घंटा, जब तक वो भगवत धाम नहीं जाता है ना, क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीवी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, हम घूमते रहते हैं, अच्छे घूमते रहते हैं, जो जो शरीर लेते हैं भगवान परमात्मा उसमें सुहदेव के रूप में उसके पास रहते हैं। और भगवान ने जानबूझ के क्या किए, उसी दिन जो बताए थे मैया को कि इस जंगल में जा रहा हूं, वहां पे मेरा भोजन भेज देने का, लेकिन भगवान ने अपने रास्ता बदल दिए जानबूझ के, क्योंकि उनको आज जो ब्राह्मण के पत्नी के बनाए हुआ भोजन उनको आस्वादन करना है ना। भुक्ताराम जगत तो सब सर्वलोको महेश्वर सती। दोपहर का जो समय हो गया, तो ग्वाल बाल ने भगवान के, क्योंकि वो भगवान को कभी नहीं मांगते थे, भगवान को मांगते थे हाँ, लेकिन वो जानबूझ के बोले लगे कि अब कृष्ण को भगवान तो भूखे नहीं होते, कृष्ण भगवान को काम, वो तो आत्मा राम है, आत्मा काम है, उनको थोड़ी भूख लगेगा, हमारा शरीर है भूख लगता है हमको, खाते 2 घंटा के बाद फिर से भूख लगता है, फिर से खाना पड़ता है, लेकिन भगवान को कोई भूख प्यास नहीं है मतलब। लेकिन एक ग्वाल वाल ने ये सोचे कि एक्चुअली कि कृष्ण बलराम, राम और कृष्ण, उनको जरूर भूख लगा होगा, तो इसलिए लोग ने बहाना बनाया कि कृष्ण हमको भूख लग रहा है, कुछ भोजन का इंतजाम कीजिए, जंगल में क्या हो सकता है भोजन का इंतजाम। ठीक, फिर यहाँ वर्णन है कि लोग यमुना के पास थे, तो यमुना का जो सुंदर सुस्वाद जल, उसको आस्वादन किए, गैया को भी पिलाया, चले मतलब, लेकिन भोजन तो कुछ चाहिए, तो बहाना बनाया एक्चुअली कि हमको भूख लग रहा है, लेकिन उनका ये था उद्देश्य, ये था कि कृष्ण और बलराम को भूख लगा होगा, इसलिए पद्धति है। तो इसलिए जब हम घर में विग्रह का रख सेवा पूजा करते हैं, तो हमको नहीं जाते कि हम सोचते कि मुझे भूख लग रहा है, मुझे ये व्यंजन अच्छा लगता है, ये आइटम अच्छा लगता है, इसलिए मेरे को भोग लगाना है, नहीं, मुझे जो भूख लगता है इसमें नहीं, हमारा विचार ही होना चाहिए, उद्देश्य ही होना चाहिए, भगवान को भूख लग रहा है, भगवान को ये अच्छा वस्तु है, इसलिए मैं उनको अर्पण करूंगा, तभी हम संतुष्ट होंगे, नहीं तो हम कभी नहीं संतुष्ट हो सकेंगे। तो इस प्रकार से जब ये पता है, तो कृष्ण बलराम बोले कि आप सबको पता है कि 6 प्रकार का जो हित बताया गया, तो उसमें से प्यास है, भूख है, और शोक है, और मोह है, और बुढ़ापा है, और मृत्यु है, तो उसमें से शोक, सबको तो भूख लगता है, प्यास लगता है, तो
भगवान ने बताने लगे कि कुछ ही दूर में ये जो मथुरा के ब्राह्मण लोग हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं। किसके लिए? अलग अलग यज्ञ होता है, क्या कहने कहाँ जाने के लिए। तो ये अंगिरस यज्ञ कर रहे ब्राह्मण लोग ने स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए, स्वर्ग स्वर्ग जाने के लिए, है ना, स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ने उनको बताया कि कृष्ण ने उनको बताया कि ग्वाल वालों को आप चाहिए उनसे, उसी समय वो तैयारी कर रहे हैं यज्ञ का, और उनके साथ बहुत सारे व्यंजन रखा है, भोजन रख सामग्री रखा है, और आप जाके उनको मांगिए। और कृष्ण वहां पे बल बल रहे हैं कि है ना, मैं उस सुखदेव गोस्वामी वहां पे बताते हैं कि ये जो ब्राह्मण का पत्नी है उनको संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने भोजन बनाया, उनको संतुष्ट करने के लिए मैं आपको भेज रहा हूँ, है ना। और जाके बोले कि आप आर्यश मम च अभिधावम, आप जाइए क्योंकि मैं एक वैश्य हूँ और ये ब्राह्मण दोष खोल रहे हैं, चतुर्वर्ण महेश गुण कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं वैश्य हूँ। अवैश्य को कोई भिक्षा करने की और दान लेने की कोई ये नहीं है, केवल ब्राह्मण ही दान ले सकता है, और वैश्य जो क्षत्रिय है वो कर वसूल करता है टैक्स, तो ये दोनों का अधिकार है, बाकी किसको अधिकार नहीं है। तो इसलिए कृष्ण ने बोले कि आप जाइए और आप बड़े भाई का नाम बताइए, अवश्य ममो चाहम, जो मेरा बड़े भाई है, बलराम जी है, दाऊ जी है, आप उनके नाम बताइए कि बलराम जी ने हमको भेजे है। हाँ, उनके नाम बताए जी, क्योंकि वो क्षत्रिय का, क्योंकि वसुदेव को, सॉरी वसुदेव के पुत्र माना जाते, जो क्षत्रिय है मथुरा में, उनके नाम से वो जरूर देंगे। और इसलिए बताया जाता है कि भगवान गीता में बताते हैं कि जो तीन यज्ञ दान और तप, इसको कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो यज्ञ करने से क्या होता है, हमारा आदि दैविक दुख, आदि दैविक दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ किसने, यज्ञ में विष्णु देवताओं को, भगवान को, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्या देते हैं, दान, दान से आदि भौतिक दुख, दान दूसरे को दिया जाता है, आदि भौतिक दूसरे जीवात्मा को देते हैं, तो इसलिए हमारा दान करने से आदि भौतिक दुख दूर हो जाता है, यज्ञ दान तप। और तपस्या करने से, खुद का शरीर का तपस्या करने से, मन का तपस्या, वाणी का तपस्या, ना, तो करने से क्या होता है कि आध्यात्मिक दुख, हमारा जो शरीर और मन जो पीड़ा होता है ये दुख हो जाता है। तो इसलिए हर किसी मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि यज्ञ दान तपस्या कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। और प्रभुपद वहां लिखते हैं कि असली यज्ञ क्या है, कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है ना। यज्ञ दान क्या है, दूसरों को दान देना, मतलब दूसरों को हरि नाम का प्रचार करना चाहिए। अगर हम दूसरे को हरि नाम प्रचार नहीं कर सकते तो उसको हिंसा माना जाता है। आपके पास अगर कोई सुंदर वस्तु है, मूल्यवान वस्तु है, अगर आप दूसरे को नहीं देते हैं तो ये आपको हिंसा, है ना, हिंसा मतलब केवल जानवर को मार के खाने का हिंसा नहीं, किसको मारपीट करना है नहीं, तो ये भी हिंसा बताया गया कि हम अगर दूसरे को, क्योंकि जीवात्मा बहुत ही दुखी है संसार में, लोग इतना पीड़ित है, लोगों को इसका निराकरण पता नहीं है, इसलिए उनको ये हरिनाम देना चाहिए, भगवान के बारे में बताना चाहिए। और तपस्या तो हरे कृष्ण सुबह उठना चाहिए, मंगला आरती भागना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, तो ये तपस्या है ना। तो अभी और तो भगवान ने उनको बताया कि आप जाइए, और ग्वाल वाले तो भगवान के कृष्ण पर पूरे पूरी निर्भर थे, वो चले गए, और दूर से दिखाई पड़ रहा था उनको, जानने में तो कोई ये नहीं हुआ, क्योंकि जब यज्ञ होता है स्वाहा, तो अग्नि कुंड में अगर घी डाला जाता है, लकड़ी जलता है, जलने थी तो दूर दूर से धुआं दिखाई पड़ रही थी। आजकल के जैसे यज्ञ नहीं है, आजकल यज्ञ पता है ना, घर में ब्राह्मण को बुलाते, दो तीन मंत्र पाठ कर लेता है, कुछ डालडा वगैरह उसमें डाल देते हैं कि नहीं, 10 बाद आधा घंटा में वो खत्म हो जाता है कि नहीं। लेकिन पहले तो इतने बड़े बड़े यज्ञ होता था, है ना, जो सत्य त्रेता युग का युग धर्म था, त्रेता मखो, तो द्वापर युग तभी वो भी चल रहा था कुछ देर तक, अब चली थी, लेकिन कलयुग में इस यज्ञ का कोई फायदा नहीं है,
कलयुग में जो यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में तीसरा नंबर, तीसरा अध्याय में 9 नंबर श्लोक में बताया, यज्ञार्थ कर्मण अन्यत्र लोकयम कर्म वंदना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो असली यज्ञ एक्चुअली क्या करना चाहिए, भगवान का प्रसन्न करने के लिए चाहिए। अगर हम भगवान का प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नहीं करते हैं तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब हम भगवान को कृष्ण के लिए प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, है ना। ऐसे देखा ही पड़ेगा कि जो हरे कृष्ण का एक सदस्य है वो भी कंपनी में काम करते हैं, वो भी फैक्ट्री में काम करते हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते पीते हैं, है ना। उससे एक साधारण आदमी मनुष्य जैसे दिखाई पड़ेगा, जो बात से नहीं, लेकिन दोनों में अंतर है। भौतिकवादी कर्म करता है तो कर्म बंधन में फंस जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पतंग उड़ा रहा है तो है उस जो रील है उसको उड़ाते समय जो धागा है तो दिखाई, तो बाहर से दिखाई पड़ रहा है कि घूम रहा है, लेकिन एक तरफ से जो घूमता है वो पतंग आगे आगे जाता है, धागा खाली होता है, लेकिन दूसरे शर्त जब उसको घुमाता है तो क्या करता है, वो ये होता है ना, वो अंदर धागा अंदर अंदर जाता है, बाहर से दिखाई पड़ता है कि दोनों एक ही जैसा है। नहीं, दोनों एक ही जैसा नहीं है। जब भक्ति करते हैं हम कर्म बंधन से क्या होता है, छुटकारा मिल जाता है ना। इसको अकर्म माना जाता है, इसलिए हम सबको अकर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म और विकर्म दोनों पाप और पुण्य दोनों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन जो अकर्म है, भगवान कृष्ण का प्रसन्न के लिए जो कर्म किया जाता है अकर्म है, उसमें पाप पुण्य नहीं है, वो पाप पुण्य से ऊपर है। कृष्ण भावना में तो कर्म करना चाहिए। तो कलयुग में असली यज्ञ क्या है, भागवतम के 11वां अध्याय में बताया जाता है कि कर्भाजन ऋषि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तये प्राय यजंती ही सुमेधसा, है ना। कृष्ण वर्णम, स्वयं कृष्ण आएंगे या चलिए अपने नाम का उच्चारण करेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनका वर्ण क्या रहेगा, कृष्ण कृष्ण वर्ण नहीं रहेगा, सावड़ा नहीं रहेंगे वो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का रंग क्या क्या था, गौरांग तप्त कांचन गौरांग अकृष्ण, है ना, पीत वर्ण था। और वो कैसे आएंगे, अपने साथ में अंग को लेकर आएंगे, है ना, अंग। अद्वित आचार्य महाविष्णु नित्यानंद प्रभु जैसे बलराम जी है, गदाधर पंडित जी, श्रीमती राधारानी है, अंग उपांग, उपांग मतलब श्रीवास ठाकुर जो नारद मुनि के अवतार है, अंग उपांग और अस्त्र, अस्त्र लड़े, अस्त्र के सारा हम लड़ाई करते ना, तो बिना अस्त्र से जितने भगवान के जितना अवतार आते हैं कुछ कुछ अस्त्र लेके आते हैं ना, राम जी आए, भगवान कृष्ण भी सुदर्शन उठाए, सुदर्शन चक्र के द्वारा संहार किए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु आए वो भी अस्त्र लेके आए थे, कौन सा अस्त्र था, उनका अंग कांति, उनका सुंदरता, इतना सुंदर था एक्चुअली लोग उसको विमोहित हो जाते थे, ये उनका अस्त्र था। जो भी चैतन्य महाप्रभु को एक बार देखता था एक्चुअली वो पूरे शत प्रतिशत क्या नछावर कर लेता था, अपने आप को समर्पित कर लेता था, इतने सुंदर जय भगवान थे, है ना। और साथ में पार्षदम गौर भक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, इतने सारे जो पार्षद आए जिनका वर्णन चैतन्य 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 भागवतम चैतन्य मंगल में है। ये सारे जो पार्षद है उसका पार्षद है। तो चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आते हैं, लेकिन जब कभी लड़ाई करने के लिए जाते हैं बड़े कहते हैं तो अपने साथियों को लेकर जाते हैं, तो महाप्रभु जाते तो ये आते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बता रहे थे कि हमारा भी लड़ाई चालू है, किसके साथ लड़ाई चालू है, माया के साथ हमारा लड़ाई चालू है ना। और जैसे लड़ाई करने के लिए हमको अस्त्र चाहिए, तो हमको भी इस लड़ाई में लड़ाई के लिए हमको अस्त्र दिए, कौन सा अस्त्र दिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभुपाद बताते जैसे नित्यानंद प्रभु आए, है ना,
और वहां पे जगाई और मधाई कुधा के तारो साखी पापी तापी जत तो छिलो हरि नाम उधारी लो तारो साखी जगाई मधाई। हाँ जगाई मधाई को उधार कर दे नित्यानंद प्रभु, किए कि नहीं किए? हाँ किस कैसे किए? अपने नम्रता से किए, दैन्यता से किए, है ना, दैन्य आत्मा निवेदन मतदी। तो ये भी लड़ाई भक्त का दरा ये है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र स्वरूप नियमित रूप से जप करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, गीता भागवत, तो हम लड़ाई में हमारा जीत होगा, माया के साथ हमारा लड़ाई से जीत होगा। हाँ अगर ये सब नहीं करेंगे हम आसानी से हार जाएंगे। इसलिए अभी जो कोरोना के साथ हमको लड़ाई करना, इसका मतलब हो कि हमको हमारा जप को ठीक करना, सुधारना चाहिए। मंगल व्यक्ति है वो कभी भी नहीं डरेगा लड़ाई करने के लिए, डरेगा कभी नहीं डरेगा, पता है वो जीत होगा। तो इसलिए हमको भी नहीं डरना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये जो लड़ाई हमारा माया के साथ लड़ाई है, हाँ ये हम आसानी से हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, ये अस्त्र के द्वारा, है ना। तो इसलिए छठा स्कंध में जो अजामिल का प्रश्न आता है, उसमें बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरि कीर्तनः भर्तुर्नाम महाराजा प्रसादः सहसा अपतन। निशम्य अजामिल ने जिस समय है म्रियमाणस्य मरणासन्न मरने वाला था हकीकत में, लेकिन उसने क्या किया, नारायण करके उसने पुकारा, हरि का नाम कीर्तन किया। हरि कौन है, नारायण कौन है, ये यमराज के प्रभु है, मालिक है, भर्तुर भगवान कृष्ण है। हाँ तो भर्तुर नाम महाराज प्रसाद सहसा पार्षद, उसी समय नारायण के पार्षद आके पहुंच गए, सहसा शीघ्र अपतनम पहुंच गए वहां पे। हाँ तो नाम में देखिए कितना शक्ति है, इसका साक्षात तो उदाहरण है भागवतम में दिया गया। अजामिल इतने मरण सुनना था, केवल नारायण पुकारा तो चार विष्णु दूत आके वहां पहुंच के एक्चुअली उसको उद्धार किए। हाँ क्या हमारे पास नहीं, सदा सद विश्वास करे दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कर्म कृत है। हमको लगता है कि नहीं, हमको भगवान कृष्ण के संबंधित जो कार्य छोड़ के हमको लगता है करूंगा, मैं पता है हाँ, लेकिन धीरे धीरे करूंगा, जब सो के उठ के करूंगा, लेट में करूंगा, नहीं। पूर्ण विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा से भी विश्वास से भी दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति का ही सर्व कर्म करत हाय, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला। इसलिए भागवत में इस 11वें स्कंध में बताते कि नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम, एक तो मनुष्य शरीर मिला, सुलभ सुदुर्लभ बहुत ही, ये 84 लोक जाने के बाद एक्चुअली 84-80 लोक के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। सुकल्पम कितना सुन बताइए, आंख है, बुद्धि है, हाथ है, इतना बुद्धिमान व्यक्ति, तो दिए शरीर दिए क्या करने के लिए, गुरु कर्णधारम है ना। तो ये दिए कि अभी जो गुरु है, जो कैप्टन है, नाविक है ना, और जो शास्त्र है ये क्या है, जो इसका तुलना किया जाता है कि जो शास्त्र है कि जो समुद्र में जाते हैं, नदी में जाते हैं, पानी में, ये तो देह तो नौका के साथ तुलना किया, ये शास्त्र क्या है, ये जो हवा अनुकूल हवा प्रतिकूल नहीं, अनुकूल हवा, तो हमारा जो प्रवास बहुत आसान हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी जैसे हमको कैप्टन मिले, ये मनुष्य जैसे शरीर मिला, और प्रभुपाद के ग्रंथ सारे इतने सारे मिला चलते। अगर हम मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं कर पाएंगे, तो नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाए नो, क्यों दुर्लभ बता गया, जलजा नवल के 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीवात्मा है ना, विमस लक्षपति घुमे वो विमस लक्षपति, पेड़ पौधे 20 लाख क्या है कि नहीं, पेड़ पौधे है, इसके बाद 11 लाख प्रकार का कीड़े मकोड़े है,
10 लाख प्रकार का पक्षी है, और 30 लाख प्रकार का पशु है, उसके बाद कितने 4 लाख प्रकार का मनुष्य है। हाँ, 4 लाख प्रकार का मनुष्य है कि नहीं? तो कितने 40 लाख अलग अलग जोनी जाने के बाद फिर हमको क्या होता है कि मनुष्य को जन्म मिलता है। तो जब ये ग्वाल वाल आके पहुंचे ब्राह्मण के सामने, प्रणाम किए और ब्राह्मण को बताया कि हम कृष्ण और बलराम के द्वारा भेजे हुए, कृष्ण बलराम आए हुए और उनके लिए भोजन दीजिए प्रस्तुत थे। तो ये ब्राह्मण जो थे, एक्चुअली क्या के स्पेशली प्रॉपर बोलते कि स्मार्ट ब्राह्मण है ना, ये लोग इतने कर्मकांडी ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करते लेकिन भूल जाते कि यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ करने का मतलब क्या है, भगवान विष्णु को ही प्रश्न करना था, यज्ञ वही विष्णु, क्योंकि भगवान ब्राह्मण के मुख से और यज्ञ के माध्यम से ही भोजन करते हैं। लेकिन यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जो यज्ञ पुरुष भगवान स्वयं आके मांग रहे हैं, लेकिन ये समझ भी नहीं पा रहे, वो बोल रहे कि अरे तो यज्ञ तो पूरा नहीं हुआ, हम लोग भूखे हैं, आपको क्या देंगे, उनको भगा दिए। एक्चुअली जो जुगाल बाल गए थे उनको भी ये शंका था, ये ब्राह्मण कैसे हमको देंगे, नहीं देंगे, है ना, लेकिन भगवान के ऊपर उनका विश्वास था, इसलिए जाके मांगे। कैसे मांगे, उनके जाके शब्द हुआ कि बुभुक्षितम, कृष्ण और बलराम क्या है, भूखे हैं। तो इसलिए अगर कृष्ण बलराम भूखे बोलेंगे तो शायद दे देंगे, उनके नाम पे दे देंगे। हाँ, सब सबको तो पता था एक्चुअली कृष्ण बलराम का तो महिमा इतने पूरे दूर दूर से, लेकिन वो दे नहीं है। तो इसलिए क्योंकि तथाकथित ब्राह्मण है, कर्म ब्राह्मण है, चतुर्वर्णमयाश्रम गुण कर्म विभागाश्रम, अपने गुण और कर्म से कोई ब्राह्मण बनता है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी उनको बहुत ही वहां पे खंडन किए, अचल किया, अरे आप नहीं समझ पाते हैं, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणिधान। हाँ, धर्म का अर्थ क्या है, भगवान का वाणी है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो भगवान स्वयं मांग रहे हैं, आप भगवान को नहीं सकते हैं। तो ये कितने सारे उसका मतलब जो उद्देश्य है, महत उद्देश्य है, उद्देश्य इसको भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर संसार में हम देखते हैं कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल भूखे नहीं है, तो उसको चाहे आप कितना भी भोजन देंगे वो आपका भोजन ग्रहण नहीं करेगा। और दूसरा देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपको बहुत प्रेम करता है ना, तो वो भी भोजन देते हैं। इसलिए भगवान ने जो भगवान कृष्ण और शांति दूत बन के आए हस्तिनापुर में और दुर्योधन के पास में थे, और दुर्योधन तो सोच रहा था कि अरे कृष्ण तो ऐसे मायावी है, उनको तो मैं 56 भोग खिला के संतुष्टि कर लूंगा, है ना, लेकिन भगवान को उसने पहचाना कहाँ था। भगवान ने उनको विराट रूप दिखे फिर भी उनको गिरफ्तार करने के लिए तैयारी करो चाह रहा था, है ना। और भगवान थोड़ी है ना भूखे है एक्चुअली कि ना उसके घर का वो भोजन करेंगे। और भगवान चले गए कैसे, विदुर के पास चले गए, विदुरानी के हाथों से वो केला का छिलका खाए, रूखे सूखे साग खाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते कि भगवान भूखे नहीं है, भगवान किसके भूखे है, प्रेम के भूखे है, हमारे संपत्ति के भगवान भूखे नहीं है। इसलिए इसके पत्रम पुष्पम फलम तो एम जो में भक्त प्रायश्चित तदम अस्मे प्रयत्न स्नात, भगवान बोलते कि प्रेम से अगर मुझे कोई पत्र पुष्प फल तो देता है तो मैं भोजन करता हूँ। आज मैं सुबह हमारा क्लास चल रहा था, इसमें थे प्रभुपाद जी बोलते, लोग बोलते लोगों को सिनेमा देखने के लिए समय है, सिनेमा देखने के लिए पैसा है, लेकिन भगवान को मंदिर में आने के लिए पैसा नहीं है, भगवान को प्रणाम करने के लिए समय नहीं है ना, तो मूर्खता है। तो बोलते थे कि ये लोग माया अपहृत ज्ञान आश्रम होते थे, माया के द्वारा एक्चुअली अपहृत है, तो ये लोग कभी भगवान के शरण में नहीं आ पाएंगे, है ना। तो इसलिए इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे, इतना यज्ञ सामग्री था, इतना मंत्र पाठ कर रहे थे, इतना पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन वो नहीं समझ पाए कि अरे असली तो है भगवान को संतुष्ट करना। हाँ, तो इसलिए भगवान को समझ नहीं पाए, स्वयं कृष्ण भेज रहे लेकिन
ये नहीं समझ पाए, ट्रेन वाले इतना गलती हो गया, वो दे नहीं पाए और साथ साथ पूरे मना कर दिए, है ना। तो इसलिए भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। तो प्रभुपाद जी उस सब श्लोक में बताते हैं, लिखते हैं कि उदाहरण देते हैं जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति लाल कलर का अगर चश्मा पहनता है तो उसको सारे दुनिया कैसे दिखाई देगा, लाल कलर दिखाई देगा। काला चश्मा पहनता तो काला कलर दिखाई देगा। तो ये जो ब्राह्मण थे बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे, एक्चुअली ये इतने अंधे थे, अपने ज्ञान अंधे, ज्ञान अंधा, ज्ञान से इतना गर्व था उनको, अंध था, अंधे थे, वो समझ नहीं पाया एक्चुअली, भगवान को देख नहीं पाए, चश्मा पहने थे, है ना, लाल कलर का चश्मा पहने थे, मतलब अज्ञान का चश्मा पहने थे, इसलिए वो समझ नहीं पाया, है ना। उनको इतना अच्छा मौका मिला था भगवान को प्रसन्न करना था। तो ग्वाल बाल आ गए, कैसा लगेगा ग्वाल बाल, एक तो भूखे थे ना, और जब नहीं दिए मना किए तो उनको नाराज हो जाएंगे, भगवान हंसने लग गया, और भगवान क्योंकि भगवान की पता था, भगवान तो पहले भेजते थे, तो इससे पहले मैं भूल गया, जो ग्वाल वाल में भगवान को बोले कि भगवान कृष्ण आपने तो इतने सारे असुर को मारे लेकिन हमारे अंदर जो भूख रूपी असुर है उसको भी मार दीजिए, आप ही मार सकते हैं, हमको भूख लगता है ना, इस भूख को मारने के लिए हमको भी क्या चाहिए, असुर चाहिए। कौन सा भूख, अभी इंद्रिय तृप्ति का भूख है, भोगों का जो भूख है, अलग अलग वस्तु को भोग करूंगा, अलग अलग है ना देखूंगा, इंद्रिय के तर्पण करूंगा, इसी को मारने के लिए बोल रहे हैं। तो भगवान हंसने लगे और भगवान ने बोल रहे कि अरे 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 आपको क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये ब्राह्मण हैं उनको प्रति क्रोध नहीं कीजिए, क्योंकि ये धर्म ऐसा ही है, आप कभी किसी को मांगने के लिए जाते हैं हो सकता है कि आपको कोई मना करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी को मांगेंगे तो सार व्यक्ति आपको देगा। हम देखते हैं हम पुस्तक लेके जाते हैं, कोई हाँ मना करता है, कोई लेता नहीं, कोई गाली देता है, हम जन्माष्टमी के लिए कुछ को भगवान के मंदिर के लिए कुछ ले मांगते हैं तो कोई देता है नहीं देता है, इसमें हमको हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ हम हमारा कर्तव्य हमको करना चाहिए, हमको अच्छे जरिए से हमको पेश आना चाहिए। तो भगवान ये शिक्षा देते हैं कि नहीं, आप क्रोध मत कीजिए, आप नाराज मत रहिए, है ना। तो कुछ लोग देंगे नहीं देंगे, असली हम दें, हमको सहन करना सीखना चाहिए। और फिर बताते हैं कि आप जाइए और कुछ दूर में उनके जो पत्नियां हैं वो पत्नी ने बहुत ही अच्छे से व्यंजन वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि यज्ञ के लिए व्यंजन जो अलग अलग सामग्री भोजन सामग्री की जरूरत होता है और वो तैयार करके रखिए, आप उनसे जाइए वो आपको जरूर देंगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको ये चेतावनी देते हैं, आप उनको ये बताइए कि हम भूखे हैं, मतलब कृष्ण और बलराम भूखे हैं, क्योंकि वो इतने प्रेम करते हैं मुझे, अगर ये सुनेंगे कि कृष्ण और बलराम भूखे हैं तो बहुत ये हो जाएंगे, दुखित हो जाएंगे, इसलिए आप उनको मत बताइए कि दुखी भूखे हैं, आप केवल इतने बताइए एक्चुअली कि कृष्ण और बलराम क्या है, यहाँ पे आए हैं, नजदीक में जंगल में है ना, ये करके अगर बताएंगे तो मतलब देखिए भगवान कृष्ण कितने ख्याल रखते हैं अपने प्रति, किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं, तो वो दुखी हो जाएंगे इसलिए मतलब हैं। और फिर ग्वाल वाल एकदम हंसी खुशी में चले गए अकेले देंगे, और जाके तुरंत तो इसलिए वो पीछे के दौरा से गए, हाँ क्योंकि पीछे जनरल जो रसोई घर होता था घर के पीछे रहता था, है ना, तो पीछे के दौरा से जब गए एक्चुअली की और जाके उनको प्रणाम किए, ब्राह्मण पत्नी को प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद और बताए कि कृष्ण और बलराम आए हैं, पत्नी जो भी ये सुने कृष्ण और बलराम आए थे तो क्या किए, बड़े बड़े इसमें बर्तन में जो भी उन्होंने भोजन बनाया था, कुछ भोजन तो उन्होंने भेज दिए थे यज्ञशाला में, और जो कुछ बाकी भोजन यहाँ पे था, मतलब हम देखते हैं ना कि भोग जब लगता है हम एक कटोरी में लेके जाते हैं, बाकी जो बना हुआ तो रहता है ना, सारे को उन्होंने पैक किए, पैक करके बोले चलिए अब तो दिखाए, तुरंत निकल पड़े। उसी समय उनके बेटे, उनके भाई, उनके पति तो सारे ब्राह्मण तो थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन सब ने घर में बुजुर्ग ने सब ने उन्हें रुकाया, क्या करने जा रहे हैं अपने पति, देखा नहीं अभी यज्ञ चल रहा है, आपको पता है यज्ञ होता है, यज्ञ में पहले
पुरोहित जो जजमान है, पति और पत्नी साथ में रहना चाहिए, मतलब यज्ञ आहुति होता है तो दोनों फिर यज्ञ का फायदा होता है। नहीं दो तो लोग इसलिए अपने अच्छे से सजा के सब तैयारी करके रखे थे, जब यज्ञ का आहुति होगा पति बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे और यज्ञ का आहुति देंगे। वो लोग भी भूखे थे, वो लोग नहीं भूखे थे, ब्राह्मण भी भूखे थे, भूखे पेट में क्या भजन होगा बताइए। इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं लेकिन यज्ञ वह विष्णु यज्ञ का उद्देश्य क्या है उनको पता नहीं था। तो ये जो बताने लगे, और उसी समय लेकिन ये जो यज्ञ पत्नी थे ब्राह्मण थे जो कृष्ण बलराम के बारे में केवल सुने, उनके अंदर उनको देखने के लिए इतना उतावली हुआ, इतना उत्सुकता रहा, इतना तीव्रता बढ़ गई। हाँ इसलिए भागवत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्रृणुताम शोक थाम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय तुष्ट अभद्राणी विधुनती सुत सताम। श्रृणुताम शोक थाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। हम पुण्य कमाना चाहते ना, तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कृष्ण के बारे में सुनना ही सबसे बड़ा पुण्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण के बारे में सुनने क्या होता है? श्रृणुताम शोक थाम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय तुष्ट अभद्राणी। हृदय में अभद्र है ना, काम क्रोध लोभ मद मोह स्मृति सुधुन्नति सूत सताम। क्या होता है कि भगवान कृष्ण के बारे में हम सुनते हैं तो हमारा जो कलमश है, जो अनर्थ है, तम सोखतम पुण्य श्रवण कीर्तनम मिथुनति सुशताम, धुलाई होता है उसका, है ना, समलम वो साफ हो जाता है। बाकी किसी के माध्यम से ये जो हृदय का जो मैल है वो सफाई नहीं होता है, केवल भगवान कृष्ण के बारे में सुनने से वो साफ हो जाता है। तो ये जो धर्म पत्नियां थी, ऐसे कैसे है कि सुनते हैं ये ब्राह्मण लोग भी सुने भगवान कृष्ण के बारे में लेकिन उनके अंदर इतना श्रद्धा नहीं था। लेकिन उनकी जो पत्नी है वो तो घर के अंदर रहते थे, लेकिन जब भगवान कृष्ण अलग अलग लीला करते थे, जंगल में जाके अलग अलग असुर को मारते थे, और उनका जो लीला क्या होता था, जो आते थे फल वाले, फल बेचने वाले, दूध बेचने वाले, कंगन बेचने वाले, वो आके बताते थे, है ना। इससे कृष्ण का कथा उनको सुनने मरता था, कृष्ण आज ने इस लीला को ऐसे असुर को ऐसे मारा, ऐसे किया होते हैं। तो सुनते 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 कृष्ण के बारे में देखने के लिए उनको इतना उतावली भाव था। हाँ इसलिए बोला था कि नाम रूप गुण लीला। नाम से क्या होता है कि नाम रूप भगवान का रूप का दर्शन होता है, नाम रूप, और उससे फिर भगवान का गुण के बारे में सुनने को मिलता है, फिर लीला के बारे में सुनते हैं, फिर परिकर के बारे में सुनते हैं, फिर भगवान का धाम के बारे में जाने के लिए फिर और अंदर उससे होता है। तो ये नाम से सब कुछ छुपा हुआ है, इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरंत। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, केवल हरि का नाम। और उसमें सुखदेव गोस्वामी बनाते हैं कि आत्मा प्रिय, हर व्यक्ति अपने आत्मा को सबसे प्रिय मानता है। भगवान का भक्ति इसलिए कैसे होता है, ये जो ब्राह्मण के जो पत्नी थे ये तो अनपढ़ थे ना, कोई पाठशाला नहीं गए, कोई छंद आता है ना, कोई मंत्र आता है ना, कुछ नहीं आता था। क्या करते थे गोपियां लोग, क्या करते थे, गाय का दूध निकालते थे, खेती करते थे, घास वास सब करते थे, घर का वो साफ सफाई करते थे, बस उतना ही है। तो इसलिए भगवान को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान के कृपा के लिए हमको कोई ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, धनी नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। अगर योग्यता है तो उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए कुंती महारानी बोलते कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर यजमान अपमान, ये चार जो चीज है, जन्म ऐश्वर्य और श्रुता ज्ञान और श्री मतलब सौंदर्य, ये भक्ति में बाधाएं हैं, लेकिन जिसके पास है वो भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ज्यादा देखा जाता है कि धनानंद, जिसको धन है व्यक्ति को धनानंद कर लेता है, पागल बन जाता है, भगवान से दूर लेके जाता है ना।
लेकिन हम बोलते कि मैं गरीब हूँ, कुछ नहीं है, मैं भी कैसे भगवान के पास जाऊँ, तो क्या करूँ? भगवान कहते हैं हरि का नाम होते हैं, गोलो करो प्रेम ना हरि नाम संकीर्तन। तो ये जो वो ब्राह्मण के पत्नी थे, उनके कैसे थे, उनके कोई हेतु नहीं था, अहेतु की अभ्यर्थिता है ना, कोई मन का काल्पनिक नहीं था अपने प्रति कि भगवान ऐसा हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल शुद्ध हृदय था। और उनके अंदर क्या था, एकदम निस्वार्थ भावना था, कोई अपना स्वार्थ नहीं था, इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए उनको हेतु की अप्रत्याशित स्वार्थ होना चाहिए। हाँ, और किसी भी समय पे कहाँ पे भी भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, भगवान हर जगह में विद्यमान है कि नहीं? तो इसलिए जो ये ब्राह्मण की पत्नी आगे सर लेके आ चली थी, कृष्ण भगवान का दर्शन किए थी। हाँ, कृष्ण बलराम के सामने दर्शन करने करने के बाद भगवान कृष्ण उनको बता रहे कि अभी आप लोग, मैं आपके भक्ति में बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो आप लोग अभी वापस आ सकते हैं, क्योंकि आपके पति देवता यज्ञ की आहुति के लिए आपके इंतजार कर रहे हैं, जब तक तो आप नहीं जाएंगे तो यज्ञ का संपन्न नहीं होगा। तभी ये यज्ञ जो ब्राह्मण पत्नी है फूल रहे कि नहीं, हम कैसे जाएंगे, क्योंकि हमने हम इनके इच्छा के विरुद्ध अभी आए हैं। हाँ, तभी प्रथा था एक्चुअली, कोई अगर पत्नी अपने पति के इच्छा के विरुद्ध के जाता है तो फिर उसको पति कभी ग्रहण नहीं करते, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो प्रभुपद यहाँ पे लिखते हैं कि जिस प्रकार से गोपियां भगवान को मिलने के लिए आए, भगवान जो बांसुरी बनाए, हाँ, तो गोपियां को वही भाव था चले कि हम कैसे जाएंगे, हमने तो आपको, हमारा तन मन सब कुछ हमने आपको समर्पित किए, है ना। तो इस प्रकार ये जो ब्राह्मण के पत्नी थे उनका अंदर भी इतना भक्ति भाव था, तो उनमें बताने लगे कि हम नहीं जाएंगे। मैवम विहो अर्हति भवन गदी तुम नुशनानम, हम तो सब त्याग करके आए आपके पास, और हम देखिए किस्मत दे, सब कुछ त्याग करके भगवान के सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापे मम कृष्ण, सब कुछ छोड़ के स्त्री के लिए सबसे बड़ा क्या है, आपके पत्नी को त्याग करना, लज्जिया उसको त्याग करके अभी भगवान के शरण में आए, साक्षात सिखते अभी भगवान कृष्ण बोल रहे कि अब चली जाइए, है ना। इस पर चैतन्य शिक्षाष्टक में महाप्रभु जो अंतिम श्लोक में गाते हैं ना, आश्लेष्य मा पादरतां भगवान बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कि हे प्रभु, आप मेरे अनकंडीशनली, कोई ये नहीं है, आप मेरे प्रभु है, तो आप मुझे स्वीकार कीजिए, आप मुझे लात मारिए, है ना, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं भूलूंगा, आपको छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगा। क्या भाव हमारे पास है? नहीं, हमारे पास ही भाव है? नहीं है। तो इसलिए इस भाव को हमको अंगीकार करना चाहिए कि तू ही तो भक्ति है, वही तो शरणागति है, सर्वधर्म परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम तो हम सर्वे पापे मोक्षे शरणं, है ना। तो फिर वो सुंदर श्लोक से ये बताते हैं ब्राह्मण की पत्नी जो है, गृह्णन्ति नो न पतये पितरं सुतावा, हमने पति को छोड़ दिए, पिता को छोड़ दिए, बेट पुत्र को छोड़ दिए, न भ्रातुर बंधु बंधु को छोड़ दिए, सुहृद छोड़ दिए, हाँ, कुत एव चान्ये तस्मात् भवाम प्रपदेत प्रतिमान तन्नो नान्य भवेत गतिर हिरंद तद विधेहि। हाँ, अभी तो हमने आप सब तो पूरा सब कुछ आपको समर्पित कर दिए, तो यही होगा कि अगर आप हमको दंड नहीं करेंगे तो हम इस शरीर को त्याग करेंगे और कोई अपनी है। हाँ, क्या भाव देखे होते हैं। फिर भगवान उनको आश्वासना देते हैं, भगवान बताते हैं कि पतयो न विश्वति पितर भ्रातुर सुत दया लोकुश्च देवन दे, भगवान उनको बोल रहे कि नहीं, आप जाइए, आपके पति देव आपको बिल्कुल लंछना नहीं करेंगे, हाँ, वो आपको अपनाएंगे, केवल अपनाएंगे नहीं, आप
पूज्य बनेंगे, आपको पूजा करेंगे, आपके पिता पूजा करेंगे आपके बेटे, क्योंकि क्योंकि आप ब्राह्मण के पत्नी हो, है ना। तो लोकस्य मायावती, अगर आप नहीं पाएंगे तो लोग निंदा करेंगे अपने पति, हाँ, देव अप्यानंदते, और सारे लोक में भी आपका निंदा होगा। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके पतिदेव आपको जरूर ग्रहण करेंगे। फिर बताते हैं कि श्रवणाद दर्शनाधायन महिम भव हो ननु कीर्तनम न तथा सनिषेतम प्रतिये तत्तो ग्रहण, है ना। तो भले कि आपका गुणगान होगा, केवल इतने आप इतने धन्य बनेंगे, आप इतने महान बनेंगे, है ना, तो आपका जय जयकार होगा। तो भगवान ने उनको ये आश्वासना देते हैं। हाँ, तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान का भक्ति करने से, हम देखते हैं ना, कभी परिवार में तकलीफ आता है ना, तो भक्ति छूट जाता है हम कहते हैं, क्योंकि भगवान का भक्ति करने से आप देखिए, इसलिए जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट है। हाँ, जिस तरह आपके पेड़ में मूल में अगर पानी जल डालेंगे तो पूरे जो पेड़ जो है हरा भरा हो जाता है, सबको संतुष्टि हो सकता है। पेट में भोजन डालने से मुंह में सारे शरीर को संतुष्टि मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान को संतुष्टि करने से होता है, और कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए बड़े बड़े जो ब्राह्मण थे वो लोग नहीं कर पाए भगवान का सेवा, चुनौती भगवान स्वयं मांगे लेकिन वो भूल दे नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे भगवान को। लेकिन उनकी पत्नी ने क्या किए थे बताइए, कोई पुण्य किए थे, कोई पाठ पढ़ाई किए थे, कोई ज्ञानी बने थे, कुछ भी नहीं किए थे, केवल उन्होंने भगवान के बारे में सुने थे। तो सुनने से इतना फायदा होता है, देखिए एक्चुअली शुद्ध भक्त से सुने थे भगवान के, कृष्ण के बारे में। तो ये सुनने के बाद फिर जो ब्राह्मण पत्नी एक्चुअली क्या किए, तुरंत तैयार हो गए। इति उक्त्वा आदिजो पत्न्यस्तः यज्ञवतम पुनर्गतः ते चान्यवश्यत ही श्रुति भी शतम अपारयन्। तो लोग तुरंत एक्चुअली भगवान से आज्ञाएं लिए और अपने अपने यज्ञशाला में गए उन्हें, और यज्ञ संपन्न हुआ। और वहां वर्णन आता है कि उसने एक जो स्त्री थे उसने उसने पति देव ने उसको क्या क्या जबरदस्ती उसको रखा, छोड़ा नहीं भगवान कृष्ण को मिलने के लिए, है ना। तो इतने असह्य हुआ वो जो स्त्री थी, वो अपना शरीर त्याग कर लिया। और फिर सुखदेव गोस्वामी लिखता है कि वो अपना शरीर त्याग किए, है ना, और उन्होंने अपने जो भौतिक शरीर को त्याग किए, लेकिन वो भगवान के धाम चले गए अपने प्रति, है ना। तो इसलिए इस प्रकार से ये भाव होना चाहिए कि केवल भगवान का भक्ति करना चाहिए अपने प्रति। और जब वापस आए फिर यज्ञ पत्नी यज्ञ ब्राह्मण से मिले, यज्ञ संपन्न हुआ, तभी यज्ञ ब्राह्मण जो थे, देखिए भगवान ने उनको ऐसा नहीं कि अभी बोल सकते कि यज्ञ जो ब्राह्मण पत्नियों को भगवान ने उद्धार किए, उनको कृपा दिए, ये ब्राह्मण को क्यों नहीं दिए, नहीं ब्राह्मण को तो दिए, पहले तो ब्राह्मण के पास भेजे ना, इसलिए भगवान का कोई गलती नहीं है। पहले उन्होंने ब्राह्मण को भेजे, जा इनको भोजन मांग के आइए, कृपा जरूर भगवान ने देते हैं, लेकिन वो कृपा लेने के लिए काबिल नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार सभी को भगवान का कृपा है। हाँ, भगवान किसी के लिए निरपेक्ष है, भगवान किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं करते, है ना। जिस प्रकार के नदी बहती है, नदी के दोनों बाजू में हम देखते हैं कि जो जो वृक्ष है, करेला का बीज है तो करेला का कड़ू फल आता है, आम का है तो मीठा फल आता है। तो इसलिए नदी का कोई दोष नहीं है, इसलिए भगवान का कोई दोष नहीं है, भगवान सबको समान रूप से कृपा देना चाहते हैं, लेकिन हम उनको नहीं ले पाते हैं, हमारा कमियां है। तो ब्राह्मण लोग ने फिर उन्होंने जो बताया कि धिक जन्म, धिक बोलते हैं ना उनका, भाड़ में जाए, धिक जन्म न स्त्री व्रत एताता, धिक व्रतम, मेरा जन्म धिक है, मेरा व्रत धिक है, धिक बहुत जाता थी, धिक कुलम, मेरा कुल धिक है, क्या फायदा, धिक क्रिया, है ना, धिक बहु,
ज्ञातम, जानते ना हमें बहुत कुछ पढ़ा है क्या, ये संतरते हैं उसको भी धिक बोलते हैं, धिक क्रिया दक्षम, ठीक है मैं बहुत दक्ष हूँ, बहुत एक्सपर्ट हूँ, है ना, मंत्र पाठ करने जाते हैं उसको भी धिक बोलते हैं, पूरा जीवन का धिक होने प्रति, विमुखस्य है तो अधक्ष जो, क्यों धिक है, मैं विमुख हो गया अधक्ष जय भगवान विष्णु से, भगवान के एक नाम है अधक्ष जो, जिनको अपने भौतिक इंद्रिय द्वारा नहीं जाना सकता है, विमुख हो गया, इसलिए कृष्ण भूलिया भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, जिस समय हम कृष्ण को भूल गए माया हमको क्या करेगा, झपट ऐसे पकड़ती है, हिल नहीं पाएंगे हम, है ना, अतएव संसार दुख, तो इसलिए संसार में भूख भोग रहे हैं क्योंकि हम भगवान से भूल गए हैं, तो इस लीला के माध्यम से भगवान यह सिखा चाहता है कि कोई भी भगवान का कृपा प्राप्ति हो सकता है और आसानी से हो सकता है, केवल क्या चाहिए, चाहिए भगवान के बारे में बार बार सुनना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये कृष्ण लीला से यही फायदा होता है, ये बड़े बड़े यज्ञ है, पंडित है, ज्ञानी है, हाँ लेकिन भगवान को नहीं समझ पाया, लेकिन उनके जो पत्नी थे अनपढ़ गवार थे, वो लोग भगवान को इतने आसानी से समझ पाए, है कि नहीं, तो इसलिए हमारा ये परम सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी ने इतने परिश्रम करके हमारे लिए ये श्रीमद् भागवतम दिए, खास करके दशम कंद कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हाँ उसके जो सारे जितने भगवान के दशम स्कंद का लीला है उसको बहुत सुंदर तरह से प्रभुपाद जी ने हमको प्रस्तुत किए, तो उसको हमको पढ़ना चाहिए, और अभी बलराम जयंती है, आगे कृष्ण जन्माष्टमी है, फिर राधाष्टमी है, इसके लिए क्या करना चाहिए, हमारा हृदय को तैयारी करना चाहिए ताकि कृष्ण का जन्म, बलराम का जन्म मतलब हमारे हृदय को उसको जन्म करना चाहिए, नहीं तो हर साल हम बनाते हैं जन्माष्टमी बनाते हैं, गोकुलाष्टमी बनाते हैं, बलराम जयंती बनाते हैं, तो इसका यह मतलब है कि हमारे हृदय में जो राक्षस बैठी है, काम क्रोध लोभ मद, इस राक्षस को हमको क्या करना चाहिए, मारना चाहिए, और इस राक्षस को मारने के लिए क्या है, वही एक उपाय है, भगवान कृष्ण का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बहुत बहुत धन्यवाद, किसको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम विराम करेंगे, हरे कृष्णा, यस हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी का प्रभु, कोई प्रश्न है? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक भगवान कृष्ण का नाम नियमित रूप से लेते होंगे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते होंगे, और जिस घर में भगवान का विग्रह है या भगवान का तस्वीर है तो उसका सेवा पूजा आप लोग करते होंगे, हरे कृष्णा, तो ही करते रहिए, यही जीवन का उद्देश्य है और कुछ नहीं है, है ना, हरे कृष्णा।